गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रिचर्ड एब्राइट की इंटरेस्ट के बारे में कि उनका जो है साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर कैसे डेवलप हुआ और कुछ साइंटिफिक चीज़ें करने में उनको अच्छा लगता था, उनको वो इंजॉय करते थे साइंटिफिक चीज़ें करना। और उनकी जो साइंटिफिक उनका जो साइंटिफिक एटीट्यूड था या साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको डेवलप करने में या उसको पूरा करने में जिस पर्सन ने सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प की वो उनकी मदर थी, और किस तरीके से उनकी मदर ने जो है उनकी हेल्प की, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनको डॉक्टर आर्गार्ट की ओर से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी उनके उनका जो शौक था, उनकी जो हॉबी थी उसी से रिलेटेड थी, यानी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। ठीक है, और वो काम उन्होंने किया, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का काम किया, उनको टैग किया और टैग करके उनको छोड़ दिया। उनको वापस रिकैप्चर भी किया जाना था और देखा जाना था कि वो कहाँ कहाँ से जो है उनको रिकैप्चर किया जाता है। तो इस तरह की बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। और वो रिचर्ड एब्राइट का मानना था कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के लिए जगह जगह भटकना घूमना सही नहीं है उनकी नज़र में। उन्होंने उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढा, उन्होंने अपने मकान का जो बेसमेंट था उस बेसमेंट के अंदर ही बटरफ्लाइज को रेज करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर एग रखे कुछ बटरफ्लाइज के, और बटरफ्लाइज के एग्स को जो है पूरे लाइफ साइकिल से गुजरने दिया, यानी एक एडल्ट बटरफ्लाई बनने तक वो उसका बैट करते थे। और आप उनके बेसमेंट के अंदर कई तरह के अलग अलग स्टेजेस के अंदर बटरफ्लाइज को देख सकते थे। कुछ प्यूपास, कुछ कैटरपिलर्स, कुछ डेवलप हो चुकी हैं बटरफ्लाइज इस तरीके से। तो सारी बातें, तो ये सब कुछ हम पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज इस वीडियो में। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only two butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो क्या कहते हैं, देखिए रिचर्ड एब्राइट कि मैंने जो बटरफ्लाइज टैगिंग का जो काम था उसमें मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। वजह क्या थी, बिकॉज इट वॉज टेडियस। पहली बात तो ये कि ये टेडियस था, टेडियस मीन्स टायरसम था, ये थकाने वाला था। ठीक है, पहली बात ये थकाने वाला था, टायरसम था ये काम बटरफ्लाइज को टैगिंग करना। इसके अलावा साथ में और कौन सी चीज़ थी, देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और उसका कुछ रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था उनको, रिचर्ड एब्राइट को, इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया बटरफ्लाई टैगिंग में। इन ऑल द टाइम वो कहते हैं, हंसते हैं कहते हुए कि पूरे समय में मैंने जो है देखा कि ओनली टू बटरफ्लाइज, दो बटरफ्लाइज को ही रिकैप्चर किया गया था, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं थी, 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, में रहता था उससे 75 माइल्स से ज़्यादा दूर वो नहीं थी। इस तरीके से हम यहाँ पे वो बात करते हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बटरफ्लाई टैगिंग के अंदर। आगे क्या होता, देखिए आगे इस चैप्टर में क्या बात की गई है उसके बारे में। यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए गए हैं। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। क्या सीखने को मिला रिचर्ड एब्राइट को जब वो एक साइंस फेयर के अंदर उनको किसी तरह की जो है प्राइज़ उनको नहीं मिलता है, या फिर वो जीत नहीं पाते हैं, विन नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने फिर उस हार से वहाँ पर कुछ भी नहीं जीत पाने से उन्होंने क्या सीखा, आखिर में क्या मोटिवेशन उनको वहाँ से मिला उस फेयर से। दूसरी बात है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। उसके बाद उन्होंने किन एक्सपेरिमेंट्स पे काम किया, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जब उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली, उनको सक्सेस नहीं मिली उस कंपटीशन के अंदर। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके अलावा हम बात करेंगे वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, या एक साइंटिस्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं जिनकी वजह से साइंटिस्ट बनता है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखते हैं आगे। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। जब वो 7th ग्रेड में पढ़ रहे थे, यानी 7th क्लास में वो पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक हिंट मिली कि वास्तव में साइंस, रियल साइंस क्या होती है। वो कौन सी इंसिडेंट थी, व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस। जब एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उस फेयर में वो हार गए, लॉस्ट, यानी उनको किसी तरह का प्राइज़ वहाँ पर नहीं मिला। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर
एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एवराइट इट वॉज रियली वेरी सैड सैड फीलिंग. उनके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग थी उस फेयर में कुछ भी इनाम नहीं मिल पाना, कुछ भी प्राइज नहीं मिल पाना, वहाँ पे चुपचाप बैठे रहना, दूसरे लोगों को देखते रहना, जबकि उन्होंने देखा कि और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको कुछ ना कुछ वहाँ पर प्राइज मिला था बिकॉज ऑफ देयर सक्सेस इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, है ना. जबकि रिचर्ड एवराइट को कुछ नहीं मिल पाया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला पल था ये. एवराइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही सॉड अंडर ए माइक्रोस्कोप. रिचर्ड एवराइट ने आखिर में यहाँ पे डिस्प्ले क्या किया था, रिचर्ड एवराइट ने स्लाइड्स डिस्प्ले की थी फ्रॉग टिश्यूज के स्लाइड्स, फ्रॉग जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्लाइड्स को उन्होंने डिस्प्ले किया था और उनको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में दिखाया था, है ना. ये उनका काम था, उनका असाइनमेंट था एक तरह से हम कह सकते हैं. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले. उन्होंने क्या सीखा उस काउंटी साइंस फेयर के अंदर, क्या महसूस उन्होंने किया कि जो विनर्स होते हैं उनको रियल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, यानी रियल एक्सपेरिमेंट्स करने ही आप विनर बन सकते हो. सिंपली आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, सिंपली आप किसी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हो, तो किसी चीज़ को डिस्प्ले कर देने से जो है आपको कोई प्राइज मिलने वाली नहीं है या आप विनर नहीं बन सकते. ये बात जो है रिचर्ड एवराइट ने उस काउंटी साइंस फेयर के अंदर सीखी. Already the competitive spirit that drives Richard Everett was appearing, है ना. उनके अंदर competitive spirit जो है develop हो रही थी, बढ़ रही थी उनके अंदर और वो दिखाई दे रही थी, appear हो चुकी थी उनके अंदर. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और वो competitive drive, उनके अंदर जो competitive feeling थी, competition feeling थी, है ना, competition जीतने की उनके अंदर जो भावना थी, उसी भावना की होते हुए उन्होंने ये माना, ये जाना उन्होंने कि अगले साल जो फेयर होगा उसके अंदर वो वास्तव में एक रियल एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे ताकि वो विनर बन सकें. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. उन्होंने सोच लिया था कि जो सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है उनका, जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसपे वो कई सालों से काम कर रहे हैं, वो है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स पे वो कई सालों से काम कर रहे हैं और उसी के ऊपर कोई एक एक्सपेरिमेंट करके वो अगले साइंस फेयर के अंदर दिखाएंगे ताकि विनर बन सकें. सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कर्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. इसके लिए उन्होंने क्या किया, डॉक्टर अर्कर्ट जो कि किसी एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उन डॉक्टर अर्कर्ट को उन्होंने लेटर लिखा और बताया उनको आइडियाज़ के लिए, उनको लेटर लिखा और वहाँ से कई तरीके के सजेशंस उनको मिले एक्सपेरिमेंट्स के लिए. सजेशंस उन्होंने दिए डॉक्टर अर्कर्ट ने. Those kept Everett busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. तो वहाँ से जो उनको suggestions मिले डॉक्टर अर्कर्ट से, उनको जो Everett को जो suggestions मिले, वो suggestions किससे related थे, experiments से related. suggestions मिलने के बाद वो experiment में लग गए. High school में जब वो पढ़ रहे थे तो इन experiments में ही busy रहते थे और उनकी इन experiments ने उनको क्या करवाया, उनको prize दिलवाया, ठीक है, किसमें, काउंटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, काउंटी जो साइंस फेयर होते हैं उनके अंदर और इंटरनेशनल जो साइंस फेयर्स होते हैं उनको, उनके अंदर उनको जो है प्राइजेस मिले बिकॉज ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स विच वर मेड बाय रिचर्ड एवराइट आफ्टर द सजेशंस ऑफ डॉक्टर अर्कर्ट, ठीक है. डॉक्टर अर्कर्ट के बाद सजेशन के बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, जो भी कुछ उन्होंने सजेस्ट किया था उससे उनको जो है सभी लेवल्स पे उनको प्राइजेस वगैरह उनको मिले. फॉर इज एट्थ ग्रेड, जब वो एट्थ ग्रेड में पढ़ रहे थे, एवराइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. जब वो एट्थ ग्रेड में पढ़ रहे थे, देखिए, हाँ, एवराइट ने कोशिश की इस बात का पता लगाने की कि जो कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, एक वायरल डिजीज है जो नियरली मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, सभी बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को जो है हर साल मार देती है, है ना, एक वायरल डिजीज है, कोई बीमारी है, ठीक है, वायरल है, वायरल डिजीज है, वो वायरस से फैलती है और वो बीमारी कई सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स से वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरल डिजीज एवरी ईयर. उस एवरी ईयर जो है उस वायरल डिजीज की वजह से कई सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं. तो इस बात का पता लगाने की उन्होंने कोशिश की आखिर इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है, वायरल डिजीज का कारण क्या है, कॉज क्या है.
एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल। एवराइट ने पहले सोचा कि हो सकता है ये जो डिजीज है वो किससे आती हो, ये जो वायरल डिजीज है बीटल की वजह से हो रही है, ठीक है ना। बीटल क्या है, यहाँ पे देखिए एक इंसेक्ट यहाँ पे आपके सामने शो किया गया है, एक कीड़ा होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि बीटल की वजह से जो है ये डिजीज उनको डिजीज फैल रही है, वायरल डिजीज, जो कि मोनार्क्स की डेथ का रीजन है। उन मोनार्क्स जो है, मोनार्क कैटरपिलर्स जो है बहुत सारे मारे जा रहे हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। अब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बीटल्स की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने बीटल्स को, बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू किया। रेज करने की कोशिश की, पालने की कोशिश की, उनको डेवलप करने की उन्होंने कोशिश की। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई सही रिजल्ट्स नहीं मिले इसके, पता नहीं लगा पाया मैं कि आखिर यही वजह है क्या, बीटल्स ही इनकी मौत का कारण है क्या, या बीटल्स इनकी मौत की वजह है क्या, मैं इसको सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बट आई वेंट अहेड एंड सॉट दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ा उस दिशा में, उस क्रम में मैंने आगे काम किया और मैंने शो किया, दिखाया दैट आई हैड ट्राइड, कि मैंने कोशिश की है एक्सपेरिमेंट करके, मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, और इस टाइम, इस बार मुझे जो है जीत हासिल हुई है ना, मुझे विनिंग जो है हासिल हुई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर वॉज, साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉयसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल, ठीक है, साइंस फेयर के अंदर, साइंस फेयर प्रोजेक्ट जो था, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग, उनका जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो इस चीज़ का टेस्ट कर रहा था, इस एक थ्योरी का। वो थ्योरी क्या है कि वॉयसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क्स बटरफ्लाइज की कॉपी करती है, ठीक है ना। साइंस फेयर प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ की टेस्टिंग की जानी थी कि जो है वॉयसराय बटरफ्लाई जो है मोनार्क्स की करती, कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वॉयसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टूवर्ड्स। थ्योरी किस बात पे बेसिस थी, कि जो वॉयसराय बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनार्क्स की जैसी लगती हैं, मोनार्क्स की जैसी दिखती हैं, क्यों, उसकी कॉपी करती हैं, सॉरी, मोनार्क्स की कॉपी करती हैं वॉयसराय बटरफ्लाईज, क्यों करती हैं, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि मोनार्क्स जो है वो पक्षियों को टेस्टी नहीं लगती, यानी पक्षी तितलियाँ खाते हैं और मोनार्क्स को पसंद नहीं करते अपने खाने के अंदर, अपने फूड के अंदर, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड, क्योंकि मोनार्क्स का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। वॉयसराइज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू वर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए वर्ड्स डिनर। और क्योंकि पक्षियों को वॉयसराय जो तितलियाँ होती हैं, वॉयसराय बटरफ्लाईज जो होती हैं वो ज़्यादा पसंद है, और अपने खाने के अंदर, अपने फूड के अंदर वो उनको खाना पसंद करते हैं वॉयसराय बटरफ्लाईज को, इसलिए वॉयसराय बटरफ्लाईज ने क्या किया, उन्होंने मोनार्क्स को कॉपी करना शुरू कर दिया ताकि वो मोनार्क्स की जैसे दिखें। और क्योंकि मोनार्क्स, आपको पता है मोनार्क्स जो बटरफ्लाईज हैं वो पक्षियों को अच्छी नहीं लगती, तो वॉयसराय बटरफ्लाईज को मोनार्क्स बटरफ्लाईज समझ करके उनको खाएंगे नहीं, है ना, और वो उनकी भोजन बनने से बच जाएंगी। कौन बच जाएंगी, वॉयसराय बटरफ्लाईज। तो इस तरीके से वॉयसराय बटरफ्लाईज जो थी इसलिए कॉपी करती थी मोनार्क्स को, ताकि वो पक्षियों का भोजन बनने से बच जाएं। बात समझ में आ गई होगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट वर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखने के लिए था कि क्या वास्तव में पक्षी जो है, वर्ड्स जो है, मोनार्क्स को खाते हैं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी वर्ड फूड, है ना। उन्होंने फिर ये पाया कि एक स्टारलिंग, एक पक्षी होता है, यूरोपियन वर्ड होता है, उन्होंने पाया कि जो स्टारलिंग जो वर्ड है वो जो है इस ऑर्डिनरी फूड को वो नहीं खाता था, साधारण जो खाना होता उसको वो नहीं खाया करता था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, ये जो किसको खाता था, मोनार्क्स को खाता था, इट कुड गेट। एवराइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉयसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, है ना। बाद में जो है He found that starling would not eat ordinary bird food. ना उन्होंने पाया कि जो starling जो word है वो would not eat ordinary food नहीं खाता था। It would eat all the monarchs it could get. वो क्या खाता था, monarchs को खाता था जो कि उसको जो भी मिल जाती थी। Everett said later research by other people
showed that Viceroy probably do copy the monarchs. है ना, एवराइट ने आगे कहा कि उनकी जो रिसर्च थी बाद में, तो दूसरे लोगों ने भी इस बात को माना, इस बात को शो किया कि जो वायसराय है वो प्रोबेबली संभवतः जो है वो क्या करती हैं, मोनार्क्स को कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. उनका जो प्रोजेक्ट था उसको जूलॉजी डिवीजन के अंदर फर्स्ट प्लेस मिली और थर्ड प्लेस मिली ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर के अंदर. जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में तो उसको फर्स्ट रैंक मिली उनके प्रोजेक्ट को, और काउंटी साइंस फेयर की पूरे ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग उनकी थर्ड रैंक थी. इस तरीके से आगे पढ़ते हैं और इसी चैप्टर में, इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में थे, सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. तो उन्होंने एक रिसर्च शुरू की और उस रिसर्च उनको किस दिशा में ले गई, कहाँ किस, और उनको लीड गया उस रिसर्च ने, उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की उन्होंने डिस्कवरी की, जिस हार्मोन के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था, उस हार्मोन का उन्होंने पता लगाया. और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक वो रिसर्च कर रहे थे, उस रिसर्च की वजह से वो रिसर्च करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने एक हार्मोन का पता लगाया जिसका दूसरे लोगों को पता नहीं था. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. इनडायरेक्टली हम बात करें, इनडायरेक्टली इस रिसर्च ने, उनकी ये जो रिसर्च थी उन्हें लीड किया किस और, एक उन्होंने नई थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, नई थ्योरी उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस की, वो क्या थी, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, सेल्स के जीवन के बारे में, सेल्स की जो लाइफ होती है उसके बारे में भी उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की. और बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च, जो रिसर्च शुरू की थी ना उससे, इस रिसर्च की वजह से एक तो हार्मोन का पता लगा पाए, प्लस उन्होंने लाइफ ऑफ सेल्स की एक थ्योरी भी डेवलप की. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल. वो क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर, जिसका वो जवाब देना चाह रहे थे, बहुत सादा था, वो सिंपल था. वॉट इज द पर्पज ऑफ द 12 ट्रेनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा. उनका जो किस चीज़ की रिसर्च कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसका वो आंसर देना चाहते थे लोगों के सामने, वो कह रहे हैं कि वो उस वो ये बताना चाहते थे कि जो मोनार्क प्यूपा होता है ना, प्यूपा कैटरपिलर, प्यूपा फिर क्या बनती है, एडल्ट बटरफ्लाई बनती है, एग से कैटरपिलर, प्यूपा, और इस तरीके से आपने स्टेजेस पढ़ी थी अलग अलग बटरफ्लाईज की. तो यहाँ पे उन्होंने उनको ये बताना था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 जो टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं गोल्ड कलर के, वो क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका पर्पस क्या है. एवरी वन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. दूसरे लोगों का तो ये मानना था कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो जस्ट ऑर्नामेंटल हैं, यानी डेकोरेटिव हैं, दिखावटी हैं, सजावट के लिए हैं ओनली, ठीक है ना. एवराइट सेट्स, ये एवराइट कहते हैं बात, कि लोगों का मानना ये था कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क क्यूबा के ऊपर वो जस्ट ऑर्नामेंटल होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं. बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट. लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट जो है इस बात को नहीं मानते थे, उस बात में बिलीव नहीं करते थे. टू फाइंड द आंसर, अब इस बात का सही पता लगाने के लिए कि आखिर क्यों होते हैं गोल्ड स्पॉट्स, एवराइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट सॉर्ट दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. तो एवराइट और जो अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, ठीक है ना, सबसे पहले उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की और वो डिवाइस ये शो करती थी, दिखाती थी कि जो स्पॉट्स होते हैं गोल्ड स्पॉट्स, उससे एक हार्मोन निकलता है, यानी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो गोल्ड स्पॉट्स, और वो हार्मोन जरूरी होता है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए. सबसे पहले उन्होंने ये बताया, जब उस रिसर्च में वो आगे बढ़े तब उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की, और डिवाइस डेवलप करके उन्होंने ये बताया कि हार्मोन इन स्पॉट्स से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन बटरफ्लाईज की फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. तो इस ये जो प्रोजेक्ट था उसने उन्हें फर्स्ट प्लेस उन्हें दिलाया, फर्स्ट प्लेस उनको मिला, फर्स्ट रैंक उनको मिली काउंटी फेयर के अंदर, और उनको इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के अंदर उनको एंट्री मिल गई, ठीक है ना. कई बार होता ना, हम किसी बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले हमें क्वालिफाई करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर क्लस्टर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इस तरीके से. तो यहाँ पे उनको जो काउंटी फेयर था उसमें तो उनको फर्स्ट रैंक मिली. काउंटी का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन से है, बात समझने की कोशिश करेंगे आप, तो एक पर्टिकुलर रीजन से है काउंटी. तो काउंटी फेयर में उनको मिली फर्स्ट रैंक और इसकी वजह से उन्हें जो है एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में. देरी वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पे उनको जूलॉजी में जो है थर्ड प्लेस मिला.
ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, उन्हें एक चांस भी मिला, अपॉर्चुनिटी भी मिली वर्क करने की ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उन्हें साथ के साथ ही जो है जूलॉजी में थर्ड रैंक मिलने के साथ ही साथ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली और उनको एंटमोलॉजी लेबोरेटरी है ना, एंटमोलॉजी रिलेटेड टू इंसेक्ट है ना, तो जो एंटमोलॉजी लेबोरेटरी जो थी उसमें वर्क करने का भी उनको जो है अपॉर्चुनिटी को मिली। और ये कहाँ पर थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये जो अकेडमी थी उस, ये जो लेबोरेटरी थी उसमें काम करने को की उनको अपॉर्चुनिटी मिली, इस लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाई बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क पीपा। एज ए हाई स्कूल में एज ए जूनियर स्टूडेंट के रूप में रिचर्ड एवराइट जो थे उन्होंने जारी रखा अपने एक्सपेरिमेंट्स को मोनार्क पीपा पर, जो एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने जारी रखा। दैट ईयर इज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो वो जो लगातार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्हें अब इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजिशन मिली और उन्हें फिर से जो है अपॉर्चुनिटी दी गई। क्या अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको वर्क करने की, एक्सपेरिमेंट करने की इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में है ना, समर सीजन था उसके दौरान। तो इस तरीके से उन्हें साइंस फेयर, इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिली, इसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली आर्मी लेबोरेटरी में काम करने की। इन द सीनियर ईयर, हाई स्कूल का जो सीनियर ईयर था, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स बीइंग इन ए कल्चर एंड शॉट दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई बींग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। तो उन्होंने सेल्स ग्रो की, मोनार्क्स जो विंग्स होती हैं, मोनार्क्स के जो विंग होते हैं, मोनार्क्स जो तितली है जो बटरफ्लाई, उसके विंग्स से उन्होंने सेल्स डेवलप की, सेल्स ग्रो की। कैसे, एक इन एक कल्चर, कल्चर का मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर इन्वायरमेंट में जो है उन्होंने मोनार्क के विंग्स से जो है सेल्स ग्रो की। और उन्होंने ये शो किया कि जो सेल्स हैं, सेल्स वो डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई, कि सेल्स जो हैं डेवलप हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है नॉर्मल बटरफ्लाई में। जो सेल्स उन्होंने ग्रो किए ना, वो किस में डेवलप हो गई है, नॉर्मल बटरफ्लाई में। नॉर्मल बटरफ्लाई बिंग स्केल्स डेवलप हो सकती है कब, ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। अगर उनको वो हार्मोन प्रोवाइड करवा दिया जाए जो कि उन गोल्ड स्पॉट से निकलता है, तो वो डेवलप हो सकती है नॉर्मल बटरफ्लाई के अंदर। ये बात उन्होंने की, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनार्क्स विंग्स जो है उनसे सेल्स ग्रो की और एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर उनको रख कर के जो है ये शो करने की कोशिश की कि जो ये सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं नॉर्मल बटरफ्लाई में कब, जब उनको हार्मोन जो है वो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाए। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। उनका जो ये प्रोजेक्ट था उससे उनको फिर जो है जूलॉजी के अंदर इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट पोजिशन उनको फिर मिली। स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. अब उनको जो समर सीजन था उनको यहीं भी गुजरा ग्रेजुएशन करने के बाद में, आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी है उसमें काम करते हुए उनका समर सीजन यहाँ पे गुजरता है। इसके बाद में द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Everett went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अगले साल है ना, हाई स्कूल का जूनियर ईयर, सीनियर ईयर, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद द फॉलोइंग समर, आगे आने वाली जो समर सीजन था उसमें फ्रेशमैन थे वो, एक फ्रेश कैंडिडेट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो वहाँ पे कहाँ जाते हैं, लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में वो जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। किसके ऊपर वर्क करते हैं, गोल्ड स्पॉट्स से निकलने वाले हार्मोन के ऊपर, ठीक है। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे उनको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ही वॉज एबल टू, सोफिस्टिकेटेड मतलब जो रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो इस बात का पता लगाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था, गोल्ड स्पॉट से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बात का पता लगाने में भी वो सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं, वहाँ पर बन जाते हैं। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर,
डेढ़ साल बाद है ना ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. जब यूनिवर्सिटी के अंदर थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हैं अभी वो. तो जब वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में उनका जब जूनियर ईयर था तो उन्हें क्या आइडिया मिला और आइडिया किस चीज़ का मिला थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. सेल लाइफ की थ्योरी के लिए उनको एक आइडिया उनको मिला. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हारमोन. कब आया उनके दिमाग में ये आइडिया. हाँ जब हम बात कर रहे थे कि वो हारमोन्स पे ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट करने लगे थे और उन्होंने हारमोन के केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगा लिया था. जब वो केमिकल हारमोन के केमिकल स्ट्रक्चर को जानने के लिए जब वो एक्सरेज देख रहे थे या एक्सरे फोटोज जब वो देख रहे थे है ना तो उन्हें उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया किससे रिलेटेड था थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. सेल लाइफ के जीवन के बारे में वेन ही सा दोस फोटोज जब उन्होंने वो फोटो देखे एवराइट डिडंट साउट एवराइट चिल्लाए नहीं यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट्स बट ही बिलीव दैट उन्होंने उन्हें विश्वास हुआ अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हारमोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स हाउ द केल सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ डी एन ए. तो क्योंकि इंसेक्ट्स के बारे में बहुत सारी फाइंडिंग्स उन्होंने पहले से ही कर ली थी इंसेक्ट हारमोन्स के बारे में. अब ये फोटोज़ जो देख रहे थे उन फोटोज़ ने उन्हें एक जो बायोलॉजी की जो एक बहुत पजल थी जिसको सुलझा नहीं पा रहे थे साइंटिस्ट लोग है ना वो क्या पजल थी कौन सी बात थी कि जो सेल होती है वो ब्लू प्रिंट को कैसे पढ़ लेती है यानी डी एन ए का जो ब्लू प्रिंट होता है उसको सेल आखिर कैसे पढ़ लेती है इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे साइंटिस्ट लोग. उस बात का पता इन्होंने यहाँ पर लगा लिया. किसने लगा लिया रिचर्ड एवराइट ने. कब जब वो केमिकल स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स को और जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे तो उन्होंने इस बात का पता उन्होंने लगा लिया. डीएनए क्या है हमारा ब्लू प्रिंट होता है हमारी लाइफ का या किसी इंसान की हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डीएनए का यूज़ किया जाता है कि किसी भी चीज़ का जो डीएनए जो होता है डीएनए से ये पता लगाया जा सकता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में है किस स्ट्रक्चर में है ना किस तरह का है इसकी फंक्शनिंग कैसी है ये सारी बातें डीएनए से पता लगाई जा सकती है. तो उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि जो सेल जो है वो डीएनए के ब्लू प्रिंट को आखिर कैसे पढ़ लेती है. DNA is the substance in the nucleus of a cell. DNA जो होता है वो किसी सेल के न्यूक्लियस में होता है that controls heredity, जो कि heredity को control करता है DNA, ठीक है. It determines the form and function of the cell. ये जो कोई भी जो सेल होती है उसकी फॉर्म को उसकी अवस्था को उसके functions को जो है determine करता है. Thus DNA is the blueprint for life. इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे life का जो design होता है DNA एक तरीके से नक्शा होता है एक तरीके से blueprint होता है DNA. तो इस तरीके से और आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर रिचर्ड एवराइट हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सक्सेस की ऊंचाइयों पे बढ़ते चले जा रहे हैं रिचर्ड एवराइट. एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. टुगेदर द लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. एवराइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वॉन्ग है ना वो रातों में काम किया करते थे पिक्चर्स ड्राइंग करते थे और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किया करते थे बनाया करते थे मॉलिक्यूल्स के ये दिखाने के लिए कि सब होता कैसे. इसके बाद में उन्होंने एक पेपर में भी कुछ लिखा और न्यूज़पेपर्स वगैरह होते उन्होंने भी अपना आर्टिकल वगैरह उन्होंने पब्लिश करवाया और इस थ्योरी के बारे में बताया. कौन सी थ्योरी के बारे में जो उन्होंने अभी थ्योरी न्यू थ्योरी उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे वो या उन्होंने एक नई बात का उन्होंने पता लगाया था वो कौन सी बात थी कि जो सेल होती है वो डीएनए को कैसे पढ़ लेती है. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम सरप्राइज होने की बात ही नहीं थी जो उनको जानते थे उनकी तो सरप्राइज होने की बात ही नहीं थी क्योंकि वाकई में वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. रिचर्ड एवराइट जो है ग्रेजुएशन कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स अच्छे मार्क्स के साथ में सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स. 1510 बच्चों की क्लास थी उसमें उनको सेकेंड पोजिशन मिली. एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और वो अब रिसर्च करने लगे रिसर्चर के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी. रिसर्चर के लिए उन्होंने एडमिशन हम कह सकते हैं एक तरीके से ले लिया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर. देर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट दिस थ्योरी. उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जो एक नई लेटेस्ट उन्होंने बात पता लगाई थी सेल्स के बारे में.
इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, उन्होंने सोचा कि अगर उनकी थ्योरी करेक्ट साबित होती है, सही साबित होती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, है ना, तो ये जीवन की जो प्रोसेस है उसकी समझने में एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी सक्सेस होगी लाइफ लाइफ प्रोसेस को समझने के में, है ना, अगर ये थ्योरी उनकी करेक्ट सही होती करेक्ट प्रूव होती है तो. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. इसके अलावा ये उनकी जो थ्योरी है वो हेल्पफुल होगी, है ना, नए आइडियाज़ हमें देगी किस चीज़ के बारे में, कैंसर सम टाइप्स ऑफ कुछ टाइप्स के जो कैंसर होते हैं उनको रोकने में, प्रिवेंट करने में और बहुत सारी बीमारियों को रोकने में भी ये थ्योरी मदद करेगी. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब पॉसिबल है किसकी वजह से, एवराइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाएगा, संभव हो पाया है. हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क पीपल इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. देखिए किस तरीके से उनकी जो रिसर्च शुरू की थी उन्होंने, और रिसर्च किसके बारे में शुरू की थी, वो पता लगा रहे थे कि मोनार्क पीपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स का पर्पज़ क्या है, क्यों होते हैं आखिर वो, और उनकी ये जो रिसर्च थी उनको ले गई किस और ले गई कि उन्होंने सेल लाइफ के थ्योरी अबाउट सेल लाइफ जो है इंट्रोड्यूस कर दी, एक नई थ्योरी का उन्होंने पता लगा लिया, और वो थ्योरी किससे रिलेटेड थी, सेल लाइफ से रिलेटेड. रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. आपको पता ही है रिचर्ड एवराइट साइंस में इंटरेस्ट है तो शुरू से ही थे, उस ज़माने से ही थे जब उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, इतने डीपली भी जो है इंटरेस्ट नहीं रखते थे, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उनका ये साइंस के टुवर्ड्स साइंस उनका जो इंटरेस्ट था उनको दूसरी चीज़ों से नहीं रोक पाया, दूसरी चीज़ों में जाने से दूसरे इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं कर पाया उनका साइंस का इंटरेस्ट. कैसे, कौन सी बात है जो हमें ये बताएगी. एवराइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. वो सिर्फ साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन ही नहीं थे बल्कि वो शानदार डिबेटर थे, है ना, डिबेट करते थे बहुत शानदार, और एक अच्छे स्पीकर थे. इसके अलावा कैनोइस थे, यानी नाव चलाना, कैनोइस बोले नाव चलाने वाले को, यानी वो नौका वगैरह नौकायन में भी बहुत अच्छे थे. इसके अलावा ऑलराउंड पर्सनैलिटी थी एक तरह से हम कह सकते हैं रिचर्ड एवराइट की. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक अच्छी फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जीबिट्स. पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड, फोटोग्राफी के लिए उनको जाना जाता है, नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिट्स से रिलेटेड. इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में वो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. क्यों, क्योंकि उनके लिए लर्निंग बहुत आसान थी और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी किस में लगाई, डिबेटिंग में लगाई, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स के अंदर जो है डिबेटिंग होती थी वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अपनी एनर्जी को वेस्ट किया वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पर विनिंग हासिल करने के लिए. He also found someone to admire, Richard A. Wehrer. He is social studies teacher and advisor to both clubs. उन्हें वहाँ पर डिबेट में सफलता उन्हें कैसे मिली, उन्हें जो है एक अच्छे एडमायरर भी मिले, एक अच्छे इंसान भी मिले उन्हें, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको अप्रिसिएट किया, उनको मोटिवेट किया. वो कौन थे, रिचर्ड ए वेरर थे जो कि उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और उनके एडवाइज़र भी थे. मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट सेड. वो कहते हैं मिस्टर वेरर जो थे मेरे लिए एक परफेक्ट इंसान थे और उन्होंने मेरे लिए नए नए आइडियाज़ उन्होंने मेरे लिए प्रोवाइड करवाए. ये किसका कहना है, रिचर्ड एवराइट का कहना है. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड. मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया करते थे अपनी ओर से, एक्स्ट्रा कोशिश किया करते थे. वॉट प्लीज मी वॉज देयर हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो मिस्टर वेरर जो उनके एडवाइज़र हैं, उनके टीचर हैं सोशल स्टडी के, वो क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती थी रिचर्ड एवराइट के अंदर वो क्या थी, जो मुझे खुश करती थी, कि वो एक ऐसे इंसान थे वो 3-4 घंटे रोज़ जो है नाइट में डिबेट रिसर्च के लिए भी लगाते थे, है ना, डिबेट की तैयारी के लिए वो लगाते थे. किसके साथ साथ, जबकि वो किसी दूसरे काम को पहले से ही कर रहे थे, कोई और रिसर्च वो पहले से ही कर रहे थे. वो कौन सी रिसर्च कर रहे थे, बटरफ्लाइज पे वो रिसर्च कर रहे थे, है ना. तो वो कहते हैं कि उस रिसर्च के साथ साथ वो डिबेट के लिए भी 3-4 घंटे रोज देते थे. ये बात जो है मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे खुश करती थी. रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव,
रिचर्ड कैसे पर्सन थे पर्सन थे कम्पिटिटिव पर्सन थे वो, यानी उनके अंदर कंपटीशन की भावना थी, यानी वो जीतना चाहते थे। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड बट नॉट इन ए बैड सेंस में नहीं, उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग थी लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इनाम जीतने के लिए ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे या इनाम जीतने के लिए ही प्राइजेस विनिंग करने के लिए ही वो इंटरेस्टेड थे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट की वजह वो हमेशा अच्छा करना चाहते थे, बेस्ट करना चाहते थे, बेस्ट जॉब वो करना चाहते थे रिचर्ड एबराइट। क्योंकि जब हम बेस्ट जॉब करने की हम कोशिश करते हैं, अपनी ओर से अच्छा करने की जब हम कोशिश करते हैं, रिजल्ट की हम परवाह नहीं करते या फिर हम प्राइजेज रैंक वगैरह उसका ध्यान हम जब नहीं रखते और अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स अपनी ओर से लगाते हैं, तो आपको पता है निश्चित रूप से डेफिनेटली जो है सक्सेस हमारे कदमों में होती है, सफलता हमारे कदमों में होती है, प्राइजेज रैंक्स वगैरह हमारे कदमों में होती हैं, सब हम विनर बन जाते हैं। और यही चीज़ जो है उनको अच्छा बनाती थी या उनको विनर बनाती थी, वो फाइनली वो बेस्ट बनना चाहते थे, वो अब बेस्ट करना चाहते थे अपनी ओर से, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और यही चीज़ें होती है जो एक इंसान को एक साइंटिस्ट बना सकती हैं, ये साइंटिस्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ें होना जरूरी हैं जो कि रिचर्ड एवराइट के अंदर थी। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, है ना। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, उन्होंने स्टार्टिंग की थी, क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी, अच्छा दिमाग उनके अंदर था, है ना, इसके अलावा जीतने की इच्छा उनके अंदर थी, ये सारी चीज़ें जो है उनको सक्सेसफुल इंसान बना देती हैं। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, है ना, एंड विल टू विन, ठीक है। फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, विल टू विन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए अगर हम एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई भी पर्सन एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी फ्रॉम द टाइम द बुक, उस समय से जब उनको बुक मिली। कौन सी बुक मिली? द ट्रेवल्स ऑफ मॉनार्क 10। किसने ला के दी थी ये बुक? उनकी मदर ने ला के दी थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उनके सामने जो है साइंस वर्ल्ड ऑफ साइंस को खोल के रख दिया, यानी उनके सामने बहुत उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली साइंटिफिक फील्ड में, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उन्होंने की, बहुत ज़्यादा तरक्की उन्होंने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा सफलता उनको मिली। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जब उनको जो बुक ला के दी गई थी, वो जो बुक मिली थी उनकी मदर की ओर से, उसके बाद से उनके अंदर कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की कमी नहीं आई, उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ साइंटिफिक चीज़ों से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसको रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और मैं बोल रहा था कि राइटर भी रिचर्ड एवराइट है, नरेटर भी रिचर्ड एवराइट है, ऐसा नहीं है। इसके जो राइटर है, राइटर डिफरेंट पर्सन है, और डिफरेंट पर्सन है कौन है इसके राइटर, आप लोग उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। रिचर्ड एवराइट की कहानी इसमें बताई गई है, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, वो किस तरीके से जो है साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में जो है आई, तो ये सारी बातें हमने चैप्टर में बात की थी। तो इसके जो मैन कैरेक्टर जो हैं इस कहानी के, वो हैं रिचर्ड एवराइट, जबकि राइटर्स के कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें, और समझ में नहीं आता है फिर दोबारा देखें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना क्वेश्चन पुट करें, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।